हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुसुम। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको न्यू डिजाइन धोती सलवार सिलना बताऊंगी। और 4 लेयर का धोती सलवार है। अगर आप इसमें इलास्टिक डालेंगे तो इसे दोनों साइड से पहन सकते हैं। यह सलवार अभी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबाइए जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमने पेपर ले लिया है। पहले पेपर पे ड्राफ्टिंग करना बताऊंगी, तब कपड़े पे कटिंग करना बताऊंगी। अब इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये लंबाई है, लंबाई की तरफ से हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद आप देख रहे हैं कपड़ा को भी हमने इस तरह से फोल्ड करके रखा है। ये बंद साइड है। जैसे हमने फोल्ड कर लिया कपड़े को, 2 लेयर में कर लिया। जैसे मान लीजिए कपड़ा बंद साइड है, ये बंद साइड है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हो गया 4 लेयर में। 4 लेयर में हो गया। अब यहाँ पे हम इसका आसन का निशान लगाएंगे, यहाँ पे मोहरी का। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोहरी का निशान लगा लेंगे। जैसे 1.5 इंच यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5.5 इंच पर, यहाँ पे 7 इंच पर, और यहाँ पे 6 इंच अपने आप आ जाएगा। 6 इंच जब हम खुला साइड से बंद साइड की तरफ 1.5 इंच कम रखेंगे। अगर ज्यादा रख देंगे तो लेंथ छोटी हो जाएगी। इस तरह से जब हम 1.5 इंच रखेंगे, इस तरह से तिरछा काटेंगे तो हमारी मोहरी सीधी आ जाएगी। और अगर हम सीधा काट देंगे इस तरह से, जैसे मैं अगर इस तरह से सीधा काट दूंगी तो मोहरी तिरछी आ जाएगी। अब मैं काट के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आप देख सकते हैं मोहरी बिल्कुल सीधी आ गई है। थोड़ा सा है, इसको हम सीधा कर लेंगे। अगर आप इस तरह से काट देंगे बिल्कुल सीधा तो मोहरी इस तरह से आ जाएगी। 2.5 मीटर कपड़े को हमने बीच में से फोल्ड करके डबल कर लिया है। यहाँ पे बंद साइड है। यहाँ से हम देखेंगे 32 इंच आ रहा है, 32.5। आधा इंच चला जाएगा सिलाई में, आ जाएगा 32 इंच। अब यहाँ तक हमारा 32 इंच लेंथ आ रहा है। इसमें हम 6 इंच का बेल्ट ऐड करेंगे, आ जाएगा 38 इंच, तैयार लंबाई हो जाएगी। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे आसन की चौड़ाई। 6 इंच का बेल्ट ऐड करना है तो यहाँ पे हिप का चौथाई भाग लेते हैं। हिप का चौथाई भाग आ जाएगा 9 इंच। तो 6 इंच का हम बेल्ट ऐड कर रहे हैं तो 8.5 इंच लेंगे। यहाँ पर 8.5 इंच पर इस तरह से मार्क लगा लेंगे। आसन का मार्क हमने लगा लिया है। अभी ये 4 लेयर में है, 1, 2, 3, 4, 4 लेयर में है। अब इसको हम डबल करेंगे। जैसे धोती सलवार बनता है उसी तरह से हमने 4 लेयर में आसन और मोहरी का निशान लगा लिया है। आसन और मोहरी को पकड़ के इस तरह से पलट देंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आसन वाला भाग ऊपर आ गया। अब यह 8 लेयर में हो गया है। अब नीचे का फैब्रिक ऊपर आ गया है। अब इसे हम स्ट्रेट कट कर लेंगे।
इस तरह से पलट के कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट सलवार बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा कट लगा देंगे। यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे। अब इसे इस तरह से खोलेंगे। आसन वाला भाग अपनी तरफ हमने कर लिया है। अब इस तरह का शेप बन गया है। अब इसमें सबसे पहले आसन कटिंग करेंगे। अब आसन हमने कट कर लिया है। अब मोहरी की कटिंग कर लेंगे। मोहरी तैयार है। इसे आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी मोहरी कट के आई है। इसे बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पर 7 इंच लिया है, यहाँ पर 5.5 इंच, 1.5 इंच हमने यहाँ पर कम लिया है, तब जाके मोहरी सीधी आई है। अगर आप सीधा काट देंगे तो आपकी मोहरी गलत हो जाएगी। अब ये वाला भाग हमारा साइड में आएगा, ये वाला बिल्कुल आगे आएगा, 2 लेयर आगे आएगा, 2 लेयर पीछे की साइड जाएगा। इसे मैं 4 लेयर वाला बना रही हूँ धोती सलवार। अब बेल्ट के लिए 20 इंच लंबाई है तो इसमें हम डबल करके 3 इंच ज्वाइंट कर देंगे कपड़े को, और 8.5 इंच चौड़ा, 23 इंच लंबा। अब बचे हुए कपड़े में से हम डोरी और मोहरी बना लेंगे। आप चाहे तो सूट के कपड़े का मोहरी बना सकते हैं और अच्छी लगती है। मोहरी के नीचे का जो कपड़ा बचा हुआ है इससे इस तरह से कटिंग करके म्यानी बना लेंगे। म्यानी लगाने से आसन के साइड का जो लेंथ है मोहरी का बढ़ जाता है, इससे मोहरी ऊपर नहीं उठती है। अब मैं इस धोती सलवार को सिलना बताऊंगी। सबसे पहले जो हमने हल्का सा ऊपर की साइड कट लगाया था उसमें छोटे छोटे चुन्नट डाल देंगे, ऐसे हम जैसे धोती सलवार में पड़ता है प्लेट उसी तरह से बना लेंगे। यहाँ पे हल्का सा इस तरह से बना लेंगे। कपड़े को सीधा रख के हमने इस तरह से दोनों कट पर जो निशान लगा था कट का, उस पर हमने प्लेट डाल दिया है छोटा छोटा। अब एक प्लेट फ्रंट साइड रहेगा, एक प्लेट बैक साइड रहेगा। अब इसमें हम प्लेट डालेंगे, 6-7 प्लेट इधर से डाल देंगे आसन की तरफ से, और इधर भी डालेंगे, एक प्लेट इस साइड डालेंगे, एक प्लेट उसके अपोजिट डालेंगे। इसी तरह दोनों प्लेट बना लेंगे। यहाँ पे एक साइड का प्लेट हमने डाल लिया, आप देख सकते हैं। अब इसके इधर वाला इस साइड डालेंगे, इस तरह से हम जितना प्लेट हमने इधर डाला है उतना प्लेट हम इधर से भी बना लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से हमने पिन लगा लिया है। या तो आप पहले कच्चा कर लें या तो पिनअप कर लें। प्लेट दोनों पैर में 4 प्लेट आएगा, 2 प्लेट आगे आएगा, 2 प्लेट पीछे जाएगा। अगर आपके मशीन पे बेलबट का कपड़ा चल जाता हो तो आप उसी कपड़े में बनाए या डिजाइन और ज्यादा निखर के आएगी। प्लेट डालने के बाद म्याने लगा के आसन को ज्वाइंट कर लेंगे।
अब मियानी ज्वाइंट करने के बाद आसन को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, इसे दाब सिलाई भी बोलते हैं। मोहरी बनाने के लिए हमने 3.25 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया है और मोहरी से आप 1 इंच इधर 1 इंच इधर बढ़ा के ले सकते हैं। अब इसे डबल कर लेंगे, बंद साइड ऊपर रखेंगे, यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। अब गलत साइड यानी उल्टी तरफ हमने पट्टी को रख के सिल लिया है। अब इसे हम सीधा करेंगे। सीधी साइड इस तरह से करके इसमें हम पाइपिंग डालेंगे। इसमें पाइपिंग डालने पर और अच्छा लुक आता है। यहाँ पर हमने 2-2 सिलाई लगा लिया है। इस तरह से हमने मोहरी तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 6.25 इंच पर हमने मार्क लगा लिया है। धोती सलवार की मोहरी ज़्यादा चौड़ी नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलते समय 1 इंच मोहरी की चौड़ाई बढ़ जाती है। अब इसे स्टिच कर लेंगे। बाईस इंच का बेल्ट तैयार करना है। तो आगे की साइड हमने इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पर इसको बराबर करके यहाँ पर हमने बीच में मार्क लगा दिया है, यह पीछे जाएगा। आप चाहे तो इसी तरह इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो इस तरह से हल्का सा कट लगा सकते हैं।
सलवार को हमने उल्टा करके रख लिया है। अब इसके अंदर सीधा साइड है। अब सीधी तरफ हम बेल्ट को रखेंगे। यहाँ फ्रंट में जहाँ पे डोरी डालते हैं यहाँ से अटैच करेंगे बेल्ट को। बेल्ट को उल्टा करके रख देंगे इस तरह से, दोनों तरफ सीधा आ जाएगा। अब यहाँ से बेल्ट को अटैच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस तरह राउंड में सिल लेंगे। अब इसे आप देख सकते हैं, फोर लेयर वाला धोती सलवार रेडी है। टू लेयर बैक साइड है, टू लेयर फ्रंट में है। पहनने के बाद इसका बहुत अच्छा लुक आता है। फ्रंट और बैक दोनों साइड का लुक एक जैसा है। इसमें आप प्लास्टिक डाल के दोनों तरफ से पहन सकते हैं। और इसमें हमने सूट के कपड़े का मोहरी भी लगाया है। इसे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए आपका धन्यवाद।